हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। ये मैंने सिंगल कलर से बनाया है और इसके लिए मैंने 11 नंबर की नीडल यूज़ की है। और ये यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और ये 6 और 7 नंबर का साइज़ है। यहाँ से बना के यहाँ तक ला के फिर इसका ये सोल बनाया है। ये देखिए, यहाँ से ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए मैंने यहाँ ये जो मैं शुरू करूँगी ये वाली पट्टी बनाई है जो ये इसके लिए मैंने 12 फंदे डाले हैं और एक उल्टा एक सीधा बुना है। ये देखिए इस तरीके से ये 12 फंदे मैंने डाल लिए हैं इसमें। अभी देखिए, ये देखिए 12 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब ये देखिए, अब मैं इसको एक सीधा एक उल्टा एक उल्टा एक सीधा इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट करूंगी। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड से तो यहाँ फर्स्ट फंदा मैं उतार लूंगी और उसके बाद एक सीधा, जहाँ सीधा वहाँ सीधा, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुनूंगी। इस तरीके से दोनों तरफ से ये इसी तरीके से बनेगी पट्टी। इस तरीके से इसको मैं लगभग 3 इंच के करीब बनाऊंगी। इसकी लंबाई 3 इंच के करीब रखूंगी। तब तक मैं बनाती हूँ, इसके बाद आगे का मैं आपको बनाती हूँ। इसको मैं 3 इंच के बराबर बना देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 3 इंच के करीब बना लिया है। ये देखिए, अब इसके बाद हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए, एक दो तीन चार और 5, ये 5 फंदे सीधे बुन लिए। अब हमें एक उल्टा एक सीधा नहीं बनाना। अब हमें ये देखिए 5 फंदे मैंने सीधे बुन लिए और ये ऐसे जाली बनाई। फिर ये फंदा सीधा बुन लिया, फिर एक और फंदा सीधा बुन लिया, फिर ये जाली बनाई। तो 2 फंदे बीच में सीधे बुन के बुनने और आसपास जाली बनेगी। अब ये 5 फंदे रह गए, 5 फंदे को भी हमें सीधा बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए, अब हम ये वाला पोर्शन बना रहे हैं। ये वाला, ये देखिए, यहाँ से ये जालियाँ बनती जाएंगी यहाँ से, और ये 5 फंदे जो हमने सीधे बुने हैं इस तरीके से बीच में सीधा बुनेगा। तो देखिए, मैं बताती हूँ आपको फिर। अब ये राइट साइड से हमने इस तरीके से बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, तो जो रॉन्ग साइड पे हमने इधर सीधी तरफ से हमने 5 बुने थे सीधे, वो रॉन्ग साइड से भी सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5,
पांच फंदे हमने सीधे बुन लिए रॉन्ग साइड से, और ये जाली जो बनाई थी इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे ऐसे, और दो जो बीच के हमने सीधे बुने थे उन्हें हम रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे, और ये जाली बनाई थी इसे हम उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। अब ये पांच फंदे हैं, इन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये पांच। अब हर सिलाई पे दो दो फंदे बनेंगे। ये देखिए एक सिलाई मैंने बुन ली है राइट साइड से और दूसरी उल्टी तरफ से, तो जो ये देखिए इस तरफ से एक ये फंदा बढ़ गया, एक ये फंदा बढ़ गया, हर सिलाई पे अब दो दो फंदे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए अब पांच फंदे फिर मैं सीधे बुनूंगी, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पांच फंदे ही रखने हैं, और पांच फंदे बुनने के बाद फिर हमें जाली बनानी है। और जैसे पहले ये दो थे अब चार हो गए, चार फंदे फिर सीधे बुनेंगे, तीन और ये चार, चार फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हम एक जाली बना देते हैं और इन पांच फंदों को बुन लेते हैं। देखिए राइट साइड पे ये बन गए हम, अब रॉन्ग साइड पे देखिए पहले पांच फंदे जो हम सीधे बुने पहले सीधे बुन लेंगे, चार और ये पांच, ये दोनों तरफ से सीधे बुन जाएंगे पांच फंदे साइड के। अब हम जाली के फंदों को, ये इस फंदे को जाली जो बनाई है उल्टा बुनेंगे, रॉन्ग साइड है ये, और बीच के फंदे फिर उल्टे, और ये जाली वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से, और बाकी ये पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ 21 जालियाँ बनाऊंगी। अगर आपको छोटा रखना है पैर, जैसे 6 नंबर साइज़ का बनाना है, तो 20 जालियाँ बनाना। मैंने यहाँ 21 बनाई है, बड़ा साइज़ रखा है, मैं आपको बताती हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। देखिए पांच फंदे सीधे, फिर जाली, हर सिलाई पे दो दो फंदे बढ़ जाते हैं। ये जाली का फंदा बुनने के बाद फिर जाली और फिर पांच फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से मैं बुन लेती हूँ, उन्हें पांच फंदे सीधे बुन लूंगी मैं, पांच फंदे सीधे बुन लिए। अब मैं बाकी फंदे बीच के जो, ये देखिए जाली वाला फंदा उल्टा और बाकी फंदे भी उल्टे बुनूंगी। इस जाली वाले फंदे को भी उल्टा बुन लेती हूँ और बाकी फंदे पांच जो रह गए हैं ये सीधे बुने जाएंगे। इस तरीके से ये ऐसे बढ़ता जाएगा दोनों तरफ से। ये देखिए ये वाला पैटर्न, अब ये वाला पोर्शन बन रहा है, तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा दोनों तरफ से, ऐसे जाली बढ़ती जाएगी। तो आपको जितना रखना है, मैंने तो इसमें 21 जाली रखी है, अगर आपको छोटा बनाना है तो आप इसमें 20 भी रख सकती हैं। और छोटे बनाने के लिए एक इस तरफ से भी हमें कम करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ 19 बनाई है, तो आप अगर 6 नंबर का साइज़ बनाएंगी 5 और 6 का, तो उसमें आप 16 लाइनें बना सकती हैं, ये वाली 16 लाइनें। चलिए अब मैं आपको ये वाला पोर्शन पूरा करके यहाँ तक बना के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए
ये मैंने 21 जालियां बना ली हैं। और देखिए जब 21 जाली बना लेंगे तो इतना बड़ा बन जाएगा। इसके बाद हमें जाली नहीं बनानी, इतना बड़ा ये बन जाएगा पोर्शन। ये यहाँ से यहाँ तक बन चुका है, दोनों तरफ से दिखाऊं मैं आपको, ये यहाँ से यहाँ तक बन गया है। अब इसके बाद हमें जाली नहीं बनानी, अब वो इस तरीके से करना है, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए अब हम ये जो हम साइड के 5 फंदे हैं ये इसे सीधा ही बुनेंगे, सीधी तरफ से तो खैर सीधा ही बुना जाएगा। 5 फंदे बुन ली, अब इसके बाद ये पूरी रो हम सीधी बुनेंगे, इसमें अब जाली नहीं बढ़ेगी। ये देखिए इस तरीके से अब हम पूरी रो को सीधा बुन लेते हैं, सीधा बुन के मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है, पूरा बिल्कुल सीधा बुन लिया है। अब इसके बाद उल्टी तरफ से हम क्या करेंगे कि ये बीच के 12 फंदे तो हम ऐसे, ये जो हमने रखे हैं ये वाले, ये वाला पोर्शन, इसे ये 12 फंदे रखने हैं और आसपास के फंदे घटते जाएंगे, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे। ये देखिए अब हम लेफ्ट साइड से 12 फंदे बीच में रखने के बाद 21 फंदे इधर रह जाएंगे, 21 फंदे इधर। तो पहले मैं 21 फंदे पहले बुन लेती हूँ, 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। ये 21 फंदे मैंने बुन लिए। अब जो बीच के 12 फंदे हैं उनमें से मैं 11 फंदे बुन लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। 11 फंदे बुनने के बाद 12वां फंदा है जो, और इस सिलाई का पहला फंदा है, इससे मिला के 2 का 1 करना है। इस तरीके से एक फंदा घट गया और बाकी यहाँ रह गए 20। 20 फंदे को हमें नहीं छेड़ना, हमें टर्न कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए अब इसके बाद हम इसे ऐसे उतार लेते हैं, एक फंदा ये हो गया और फिर 11 फंदे बुन लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए इस साइड से भी मैंने 11 फंदे बुन लिए हैं और 12वें फंदे को इसके साथ मिलाते हुए बैक लूप से 2 का 1 कर दूंगी मैं इस तरीके। अब दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता जाएगा और मैं इसे टर्न कर लेती हूँ। तीन, चार, पाँच, छः, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 12वें फंदे को फिर इसी फंदे के पहले फंदे के साथ मिलाते हुए 2 का 1 बनाना है और फिर इसको यहीं से टर्न कर लेना है इसी तरीके सीधी रो से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वें फंदे को इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर देना है। ये देखिए इस तरीके से ये सोल बनता जाएगा और ये भी फंदे इधर के घट जाएंगे, इधर के ये भी घट जाएंगे, बीच में बस खाली 12 फंदे रह जाएंगे जब तक हमें घटाना है। दोनों तरफ से इन्हें घटा देना, इन्हें पूरा घटा देना और ये 12 फंदे रह जाएं इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से हम घटाते हुए लाए हैं, ये सारे घट चुके हैं, यहाँ टोटल 12 फंदे रह गए हैं, इतना बड़ा बनाना है अभी ये, तो उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए 2 फंदे और रह गए हैं दोनों साइडों के, तो मैं आपको इनको घटा के दिखाती हूँ।
इसका इस साइड से घटा लिया। इस फंदे को ऐसे इसके साथ मिलाते हुए दो का एक कर देना है। अब एक फंदा रह गया वो भी घट जाएगा। ये लास्ट का फंदा इसके साथ में घटा देती हूँ मिला कर, और अब इस साइड का रह गया है तो उस साइड का भी ऐसी दो का ही कर दूंगी। अभी अब इस फंदे को मैं इसके साथ मिलाते हुए इसको भी घटा देती हूँ। ये देखिए ये सोल का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है। अब मैं इसको रॉन्ग साइड से बुन के अभी मैं आगे का बताती हूँ कैसे बनना है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब ये वाला पोर्शन बनेगा तो देखिए वो किस तरीके से। अब हम इस साइड के यहाँ से फंदे उठाएंगे। पहले तो मैं इस धागे को कट नहीं इस ऊन को कट नहीं करते यहाँ तक ले आती हूँ। यहाँ तक ला के अब मैं इसमें ऐसे फंदे उठाती हूँ। एक दो तीन चार पांच छः इस तरीके से यहां तक ये देखिए ये फंदे यहां से यहां तक 21 फंदे उठेंगे। इस धागे को अंदर कर देना ताकि ये अंदर आ जाए और यहां से यहां तक मैं 21 फंदे उठा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहां तक ये 21 फंदे हो गए। ये यहाँ से यहाँ तक मैंने 21 फंदे उठा लिए। अब मैं जो ये फंदे हैं इनको भी सिलाई में बुन लेती हूँ। यहाँ बुन के अब इस साइड में भी यहाँ से यहाँ तक 21 फंदे उठाने हैं। तो एक और नीडल ले लेती हूँ मैं तो उससे फंदे उठाती हूँ। ये देखिए एक ये मैं पॉइंटेड नीडल ले लेती हूँ दोनों तरफ से, इससे बुनने में आसानी हो जाती है थोड़ा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ भी 21 फंदे उठेंगे। यहाँ भी यहाँ से ऐसे इनमें इसमें ऐसे फंदे उठाएंगे। ये देखिए ऐसे एक दो तीन चार पांच और यहां से यहां तक मैं फंदे उठा के आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए
यहाँ से यहाँ तक मैंने फंदे उठा लिए हैं, अब मैं यहाँ से बुनना शुरू करूँगी। ये पूरा इस तरीके से बुना जाएगा। तो सबसे पहले मैं 5 फंदे ये जो है ना इस तरीके से, ये अब ये वाली लाइनें बुनी जाएंगी। तो 5 फंदे पहले मैं ये सीधे बुनूंगी दोनों तरफ से, पहले ऐसे। अब ये रॉन्ग साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले मैं 5 फंदे सीधे बुनूंगी। 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 फंदे सीधे बुनने के बाद बाकी फंदे इधर तक, 5 छोड़ के इधर तक उल्टे बुने जाएंगे। अब ये देखिए, 1। अब मैं यहां से यहां तक बुनते हुए यहाँ तक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने उल्टा बुन लिया, 5 फंदे को यहाँ से छोड़ के और बाकी सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये 5 फंदे बचे हैं तो इसे भी मैं सीधा बुनूंगी। चार और ये 5, ये एक रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो बनेगी, वो सीधी तरफ से बनेगी। इसे हम ऐसे टर्न कर लेते हैं और पहला फंदा उतारते हुए इसमें सीधी सिलाई में सारे फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। अब ये सारे फंदे मैं सीधा बुनूंगी, इस सिलाई को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से जैसे ये एक लाइन बन गई, इसी तरह से आगे लाइनें बनती जाएंगी, मैं आपको बताती हूँ। ये राइट साइड की रो कंप्लीट हो गई। अब फिर हम रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड में ऐसे ही बुना जाएगा, पहले 5 फंदे हम सीधे बुन लेंगे और बाकी पूरे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। पहले ये 5 फंदे मैंने सीधे बुन लिए और बाकी फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। दोनों तरफ से 5-5 फंदे सीधे बुने जाएंगे, बाकी बीच के सारे फंदे उल्टे। तो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा आगे। इस तरीके से ये देखिए लाइनें बनती, ये लाइन बन जाएगी, मैं इसमें दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब हम ये वाला पोर्शन बना रहे हैं। तो इसमें मैंने टोटल 19 लाइनें बनाई हैं ये वाली। तो ये ऐसे बुना जाएगा पूरा, ये देखिए इस तरीके से। ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक 19 लाइनें हैं। अगर आप छोटा साइज रखना चाहते हैं 6 नंबर, तो इसमें 16 लाइनें बनाना ये वाली। मैंने ये 19 है तो ये 7 नंबर का साइज़ है। 6 में वैसे यूज़ कर सकते, मगर 7 नंबर का है ये, उसमें फिट आएगा। इसके बाद मैं ये वाली लाइनें कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें 19 लाइनें यहाँ से काउंट करी हैं। 19 लाइनें ये बन चुकी हैं, दोनों तरफ से 19 है ये। इसके बाद हम इसका हील का पोर्शन बनाते हैं। वो देखिए इस तरीके से 21 यहाँ थे फंदे पहले मैंने बढ़ाए और 21 यहाँ थे, बीच में ये 12 थे। तो हम बीच के 12 को ही, अब देखिए मैं बताऊँ आपको, ऐसे पहले हम 21 फंदों को बुन लेते हैं। ये 21 फंदे मैंने इस साइड के बुन लिए। अब हमें बीच के 12 फंदे हील के लिए रखने हैं, तो मैं उनमें से पहले 11 फंदे बुन लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे बुन लिए मैंने। अब 12वां फंदा जो है
तो इस सिलाई का जो पहला फंदा है उसको मिलाते हुए मैं बैक लूप लेते हुए इसको दो का एक बना देती हूँ। इस तरीके से दोनों तरफ से एक एक घटना है। अब मैं इन फंदों को छोड़ दूंगी और इसे टर्न कर लूँगी। अब मैं इन सिर्फ 12 फंदे बीच के इन्हीं को बुनूंगी और दोनों साइड से एक एक घटाती जाऊंगी। तो अब ये देखिए, मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 फंदे बुनने के बाद 12वें फंदे को मैं इस सिलाई में जो फंदे पहले फंदे से मिलाते हुए दो का एक कर दूंगी। तो इस तरीके से इस साइड का भी एक फंदा घट गया और हम इन फंदों को नहीं बुनेंगे, सिलाइयों को टर्न कर लेंगे। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 फंदे बुनने के बाद अब हमें पता चल जाएगा कहाँ से हमने घटाना शुरू किया था। तो ये 12वां फंदा है, 12वें फंदे को दूसरी सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए दो का एक बना देना है। तो एक इधर का भी घट गया। अब सिलाइयों को टर्न कर लेना है। इसी तरीके से ये घटाते हुए आगे बढ़ता जाएगा। ये एक बार और मैं आपको ये बता देती हूँ। ये देखिए, 11 फंदे बुन लिए। अब 12वें फंदे को फिर इस सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए दो का एक कर देना है। तो ये ऐसे ऐसे घटता जाएगा। देखो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये हील बनती जाएगी। ऐसे घटता जाएगा यहाँ तक। तो मैं सीधा सीधा बनूंगी, सीधा उल्टा, दोनों तरफ से सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। जब यहाँ तक ये आ जाते हैं फंदे तो दोनों तरफ से मैं सीधा सीधा बुनूंगी। मैं अभी तक यहाँ तक घटा के आपको फिर बताती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ तक फंदे घटा लिए। अब दोनों तरफ के ये 5-5 जो साइड के बॉर्डर है वो रह गए फंदे। तो अब मैं यहाँ से अब जो मैं रॉन्ग साइड से बनाती थी उल्टा, अब वहां से भी सीधा ही बनेगा। देखिए इस तरीके से घटा देती मैं इसको। और अब यहाँ मैं जो उल्टा बनाती थी साइड में, अब यहाँ भी मैं सीधा ही बनाऊंगी। अब मैं सीधा बना रही हूँ यहाँ से। ये देखिए, फंदे इसी जैसे पहले घटते रहे उसी तरीके से घटेंगे। अब दोनों तरफ से सीधा सीधा बुना जाएगा। इस तरीके से ऐसे लाइन बन जाएगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 चौथी ये चार लाइनें बनने के बाद, अब हम जब एक एक रह जाता फंदा तो हम तीन फंदे एक साथ घटा देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब इसके बाद फिर दो बार हम घटा दोनों तरफ से दो दो बार घटाएंगे। तो इसका मतलब 12 फंदे में से 4 फंदे घट जाएंगे तो 8 फंदे रह जाएंगे। 8 फंदे की ये हमें पट्टी बनानी है। ये देखिए, अब इधर से भी मैं दो फंदे एक साथ घटा देती हूँ। ये
एक इधर का और एक उधर का, दोनों फंदे एक साथ घट गए। अब एक बार और घटाना है, घटाना था अभी। एक बार और हमें ये घटाना है फंदा, तो इसको मैं इधर से इधर से एक बार और घटा देती हूँ। एक बार इस साइड से घट जाएगा तो टोटल बस आठ फंदे बच जाएंगे हमारे पास, और उन आठ फंदों की हमें ये पट्टी बनानी है। ये देखिए इस तरीके से ये आठ फंदे बच गए, तीन तीन छः दो आठ। अब हम इस आठ फंदों को बुनते जाएंगे, अब हमें कोई फंदा नहीं घटाना। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है ऐसे। किस तरीके से ऐसे एक दो, दो रो बन गई हैं टोटल मुझे ये रो, एक दो तीन चार पाँच छ सात सात आठ नौ दस ग्यारह बारह रो बनानी है, बारह लाइनें बनानी है, तो टोटल चौबीस लाइनें हो जाएंगी, चौबीस रो हो जाएंगी। अब बारह लाइनें बनानी हैं, तो दो बन चुकी है मेरी, और मैं आपको बारह लाइनें बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बारह रोज बना ली हैं ये लाइनें, और चौबीस रोज हैं। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, बंद करके इसको कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। बंद में जैसे नॉर्मल तरीके से बंद करते हैं फंदों को, ऐसे ही करना है ऐसे इस तरीके से बंद करके। ऐसे थोड़ा मैं बड़ा सा कट कर लूंगी और मैं इसको ऐसे सिलना है, तो मैं आपको ये बताती हूँ अभी। ये देखिए ये मैंने इसका थोड़ा सा बड़ा मैंने इसको ऊन को कट कर लिया और सुई में डाल के अब मैं आप ये इसको सिल देती हूँ। तो हमारे यहाँ से जो स्टार्टिंग लाइन थी यहाँ से यहाँ ऐसे सिल देती हूँ। ये देखिए यहाँ से इसको मैं ऐसे सिल देती हूँ। यहाँ सिल के इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसको कट कर देती हूँ मैं। अब ये देखिए इस तरीके से ये इसका लूप बन जाता है। अब मैं इसी तरह जो आगे मैंने ये बनाई थी इसको भी मैं इसी तरह इसको फोल्ड करके और यहाँ से यहाँ तक सिल देती हूँ मैं। फिर इसकी एक पट्टी रह जाएगी बनाने को, वो आपको मैं बताती हूँ। अब ये देखिए यहाँ से जहाँ हम स्टार्ट करते हैं इसको एंड करते हैं, जहाँ इसका इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड का पॉइंट मिला के इसको जोड़ देते हैं हम। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से ऐसे इसका ये कॉर्नर मिलाते हुए
से इसको हम इसको अंदर हाइड कर देते हैं। ये भी सिल गया, ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। इसके आगे पीछे का जो लूप है वो बन गया इस तरीके से। अब मैं ये वाली पट्टी बनाऊंगी, ये वाली पट्टी है, ये जो है इसकी, ये देखिए ये वाली पट्टी। तो इसके लिए इस ये मैंने 8 फंदों से बनाई है, और ये आप अपने हिसाब से इसकी जो होती है लंबाई वो अपने हिसाब से रख सकती हैं। ये जितनी लाइनें जो हैं अपने हिसाब से रखनी पड़ेंगी, क्योंकि पैर का हिसाब होता है 8 नंबर में कितनी, 6 नंबर में कितनी, और तो इसलिए मैं अपनी बता दूंगी आपको, या अभी मैं काउंट करके बताती हूँ। तो मैं 8 नंबर की इससे ये वाली पट्टी बना दूँगी। ये देखिए मैंने इसके लिए 51 रोज़ लाइनें बनाई हैं, और 102 रोज़ हैं। इतना बड़ा मतलब आप अपने हिसाब से भी इसे कम ज़्यादा कर सकती हैं। मैं इसको बंद कर सकती हूँ, बंद कर रही हूँ, इसको बंद करके फिर मैं इसे बताती हूँ आपको सिलना। ये नॉर्मली जैसे हम बंद करते हैं फंदों को, इस तरीके से फंदों को बंद कर देते हैं। पूरे फंदे मैंने बंद कर लिए, अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊन कट करूंगी ताकि सिलाई में आ जाए। इसको मैं सुई में डाल देती हूँ इसको। अब ये देखिए, अभी मैं आपको अब पहले मैं इस लूप से सिर तरफ का हिस्सा ऐसे रखना है, ऐसे इस तरीके से मैं इसको इसके अंदर और इसको यहाँ से अब मैं इन दोनों हिस्सों को सिल देती हूँ, और ये वाला पोर्शन इसके बीच में ले आते हैं ताकि ये सिलाई ऐसे छिप जाएगी, और फिर मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया इस तरीके से, ये दोनों